अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका अक्सर उत्तर प्रदेश में आना जाना है, खास तौर पे मेरठ, तो ये खबर आपके लिए बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग हो सकती है। कल सरकार ने दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया है। RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इसमें सरकार दिल्ली से मेरठ पहुंचा देगी आपको स्पेशल ट्रेन से मात्र 1 घंटे में। मौजूदा जो ऑप्शन है दिल्ली से मेरठ जाने में, उसमें 3 से 4 घंटा लगता है, लेकिन ये ट्रेन आपको 3 घंटे की जगह 1 घंटे में भी पहुंचा देगी। कल यानी 20 अक्टूबर 2023 को सरकार ने इस प्रोजेक्ट के एक लिमिटेड सेक्शन का इनॉग्रेशन किया है। ये सेक्शन है साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधार, दुहाई और दुहाई डिपो वाला सेक्शन। जैसा कि मैंने बताया, ये 5 ऑपरेशन हो गए। आज 21 अक्टूबर 2023 को इस पे कमर्शियल ऑपरेशन भी शुरू हो गया है, यानी कि आज से जनता इस पे ट्रैवल कर सकती है। जो ट्रेन इस पे दौड़ेगी उसका नाम होगा नमो भारत। इसमें आपको एक तरफ का किराया पूरा, अगर आप दिल्ली से मेरठ जा रहे हैं, तो 300 से 500 रुपये तक खर्च हो सकता है। क्यों मैं 300 से 500 बोल रहा हूँ? क्योंकि दो अलग अलग क्लास है इस ट्रेन में, एक सस्ती वाली क्लास है, एक महंगी वाली क्लास है। उस पर भी मैं बाद में आऊँगा। पहले आपको ये बता दूँ कि इस ट्रेन में करीब 407 यानी 407 सीट्स हैं, यानी 407 लोग बैठ सकते हैं, और करीब 1050 यानी 1050 लोग खड़े हो सकते हैं, यानी एक बार में करीब 1400-1500 लोग ट्रैवल कर सकते हैं इस ट्रेन पे। ये टोटल 24 स्टेशन होंगे पूरे मेरठ से लेके गाज़ियाबाद तक और फर्दर दिल्ली तक। अभी जो सेक्शन लॉन्च किया गया है वो है सिर्फ साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक, जिसमें कि 5 स्टेशन्स आते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि फेयर जो होगा वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से वाले क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। इसमें 2 क्लासेस स्टैंडर्ड और प्रीमियम। स्टैंडर्ड के 5 डिब्बे होंगे, प्रीमियम क्लास का 1 डिब्बा होगा। जो सेक्शन कल लॉन्च किया गया है 5 स्टेशन्स का, उसमें मिनिमम फेयर स्टैंडर्ड कोच में होगा 20 रुपये। मिनिमम का मतलब कि अगर सिर्फ एक स्टेशन चलना है तो आपको 20 रुपये देना होगा, 2 स्टेशन चलना है तो 30 रुपये, 4 स्टेशन चलना है तो 50 रुपये। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड का फेयर मैंने बता दिया, और इसका जस्ट डबल होगा अगर आप प्रीमियम क्लास में चलेंगे। प्रीमियम का फेयर कम से कम 40 रुपये होगा, और अगर पूरा आप मेरठ से दिल्ली तक आ रहे हैं प्रीमियम से, तो आपका टिकट 500-550 रुपये पर हेड पर विज़िट, यानी एक दिन का है। अगर महीने भर का आप पूरा पास वगैरह बनवाते हैं तो कुछ 5-10% डिस्काउंट भी मिल सकता है। और यहीं पे आपको मैं बता दूं कि टिकट लेने के कई सारे वेंडिंग मशीन्स होंगे हर एक स्टेशन पे। उसके अलावा QR कोड स्कैन करके भी आप टिकट खरीद सकते हैं। उसके अलावा नेशनल मोबिलिटी कार्ड भी लॉन्च करने का प्लान है, जिसके तहत आप एक ही कार्ड से, जो कि दिल्ली मेट्रो वगैरह सब में चलता है, वो भी बाद में इसी RRTS पे चल जाएगा, और उसका इस्तेमाल करके आप ट्रैवल कर सकते हैं। इस ट्रेन की फ्रीक्वेंसी शुरुआत में रखी गई है 15 मिनट, यानी कि हर 15 मिनट में आपको मेरठ से ये ट्रेन मिलेगी दिल्ली के लिए, और हर 15 मिनट में दिल्ली से मिलेगी मेरठ के लिए। लेकिन इसमें ये प्रावधान रखा गया है कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया भी जा सकता है, हर 10 मिनट या 5 मिनट पर भी चलाई जा सकती है। बाद में ये डिपेंड करेगा कि किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है, कितना लोग इस पर सफ़र कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल सकती है इस रूट पर। हालाँकि एवरेज स्पीड इस रूट पर मेनटेन की जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर की। और ये ट्रेन जो है हर एक स्टेशन पे आपको वेंडिंग मशीन्स होंगी, जिसमें से कि आप स्नैक्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक खरीद सकते हैं। और ऐसे ही वेंडिंग मशीन्स ट्रेन के अंदर भी होंगी, जहाँ पे कि आप ने बस सिक्का डाला और कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स आ गए। इस तरह से ये ट्रेन काफ़ी आधुनिक और बढ़िया बनाई जा रही है। टोटल 30,000 करोड़ रुपए के खर्चे से ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। हालांकि ये फेज़ 1 है, इसका फेज़ 2 भी आना है। फेज़ 2 में दिल्ली से इसी ट्रेन को एक्सटेंड करके अलवर ले जाएंगे, और इसी ट्रेन को आगे एक्सटेंड करके दिल्ली से पानीपत ले जाएंगे। उन प्रोजेक्ट्स का भी खर्चा 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपये आएगा। उनमें भी करीब 40-50 स्टेशन होंगे। फ़िलहाल ये जो फेज़ 1 है, जिसमें कि अभी सिर्फ 5 स्टेशन लॉन्च किए गए हैं, इसको जब पूरा मेरठ तक बनाने में अभी सरकार को करीब 2 साल और लगेगा। 2025 में जाके ये मेरठ तक ट्रेन चला पाएंगे। अभी फिलहाल 5 स्टेशन लॉन्च किए गए हैं, और इसका कमर्शियल ऑपरेशन आज 21 अक्टूबर 2023 से सरकार ने शुरू किया है। इस वीडियो को आगे तक देखिए, जो इसका स्टेशंस वगैरह हैं वो भी उसका व्यू मैं दिखाऊंगा। गाज़ियाबाद स्टेशन इसका ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है इसके फेयर को लेके। तो क्योंकि इसका फेयर करीब 300 रुपये पर हेड पड़ेगा पर विज़िट पर, हर बार आपको 300 रुपये देना है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का, अगर आप पूरा दिल्ली से मेरठ जा रहे हैं या मेरठ से दिल्ली आ रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर आप छोटा ट्रैवल कर रहे हैं सिर्फ दिल्ली से गाज़ियाबाद तक का, तो आपका फेयर कम होगा। लेकिन
फेयर के लेके लोगों का ये कहना है कि 300 रुपये एक तरफ का एक व्यक्ति का, और अगर वो सुबह शाम जा रहा है तो फिर 600 रुपये पर डे का उनका खर्च हो जाएगा। और ये तो मैं स्टैंडर्ड कोच का फेयर की बात कर रहा हूँ, प्रीमियम कोच का तो इससे करीब 2 गुना होगा। तो लोगों का ये कहना है कि ये काफ़ी महंगी पड़ने वाली है और इसके उनको सोचना पड़ेगा कि इससे वो ट्रैवल करें या मौजूदा जो ऑप्शन हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें। मौजूदा जो EMU ट्रेन्स हैं और बसेज हैं वो काफ़ी कम पैसे में आपको पहुँचा सकती हैं दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली। हालांकि उनमें प्रॉब्लम ये है कि वो चलते चलते बीच में रोक दी जाती हैं कई बार, ट्रेन एक एक घंटे खड़ी रहती हैं और उसमें एयर कंडीशनिंग भी नहीं होती है। हालांकि इस ट्रेन में RRTS में, जिसका नाम नमो भारत रखा गया है, इसमें पूरी हर एक कोच में एयर कंडीशनिंग होगी, स्टैंडर्ड कोच में भी और प्रीमियम कोच में भी। लेकिन फेयर क्योंकि अच्छा खासा है इसलिए लोगों का ये कहना है कि वो उनको बहुत सोचना पड़ेगा कि इससे ट्रैवल करें या मौजूदा ऑप्शंस को ही एक्सप्लोर करें उसी जगह। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई पैसा ज़रूर लग रहा है लेकिन सहूलियत मिल रही है, तो क्यों ना हम 600-700 रुपये पर डे खर्च करके मेरठ में रह लें और दिल्ली में नौकरी कर लें, उससे हमारा दिल्ली में रहने का खर्चा किराया वगैरह सब बच जाएगा। इस ट्रेन में काफ़ी पैसेंजर एमिनिटीज़ का ख्याल रखा गया है, जैसे कि वाईफाई होगा, लैपटॉप और मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटी होगी, ओवरहेड लगेज का एक रैक बना हुआ होगा जिसमें आप लगेज रख सकते हैं, और इस ट्रेन में एक ऐसी सुविधा होगी कि किसी मरीज को भी स्ट्रेचर पे ले जाया जा सके। तो ये जो मेट्रो ट्रेन कहें या RRTS करें, इसमें किसी मेडिकल इमरजेंसी में भी लोग ट्रैवल कर सकते हैं, स्ट्रेचर पर लेटा के मरीज को ले जाया जा सकता है दिल्ली से मेरठ या मेरठ से दिल्ली। तो ये अपने आप में एक देखने लायक चीज़ होगी कि कितने लोग आगे आते हैं और इस फैसिलिटी का फ़िलहाल इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी जो एम्बुलेंस वगैरह चल रही है मेरठ से दिल्ली तक की, वो कुछ वक्त ले लेती है क्योंकि ट्रैफिक बहुत मिलता है, बट क्योंकि ये ट्रेन के अपने एक्सक्लूसिव ट्रैक होंगे और बड़ी स्पीड में दौड़ेगी, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी कम समय में मरीज UP से दिल्ली पहुँच सकेगा। ख़ासतौर पर दिल्ली में अगर मेरठ से जा रहा है या साहिबाबाद या गाज़ियाबाद से जा रहा है तो काफ़ी जल्दी मरीज पहुंच जाएगा दिल्ली में और दिल्ली में इलाज अपना करा सकेगा। अगर आप में से किसी ने भी आज यानी 21 अक्टूबर को ट्रैवल किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक एक स्टेशन पे ये कितनी देर ट्रेन रुकती है, कितनी देर ट्रेन का दरवाज़ा खुला रहता है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगर आपने ट्रैवल किया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे कि जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन से भी अपनी जानकारी बढ़ा सकें, उनको भी पता चल सके कि इसमें ओवरऑल क्या बेनिफिट्स हैं। आज पहले दिन हो सकता है कुछ दिक्कतें आई हों, अगर दिक्कतें आई हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। इस ट्रेन का नाम नमो रखा गया है, इसके विषय में भी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, आपका क्या विचार है, इस ट्रेन का क्या कैसे नाम होना चाहिए था, इसके बारे में भी कुछ हमें कमेंट करके बताइए। ये ट्रेन फ़िलहाल जो प्रतिक्रिया आ गई है कि भाई 600 रुपये प्रति दिन लगेगा एक व्यक्ति का, अगर वो पूरा मेरठ से दिल्ली जाता है और वापस आता है तो 600 रुपये प्रति दिन तो बड़ा मुश्किल हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। और कई लोग तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई कभी कभी के लिए ठीक है लेकिन हम रोज़ तो नहीं इतना खर्च कर पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल जो EMU और दूसरी लोकल ट्रेन्स चल रही हैं मेरठ और दिल्ली के बीच में, कई सारी बसेस चल रही हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वक्त भले ही ज़्यादा लग जाए लेकिन कम से कम अफोर्डेबल तो है। ये वाली ट्रेन जो चल रही है RRTS पे है, ये कई बार अफोर्डेबल नहीं लोग इसको बता रहे हैं कि भाई ये फेयर बहुत ज़्यादा है, भाड़ा बहुत ज़्यादा है और इसको अफोर्ड करना उनके लिए मुश्किल होगा। तो क्यों ना अगर 600 रुपये प्रतिदिन उनको खर्च करना ही है ट्रैवल पे, तो क्यों ना वो दिल्ली में ही आके शिफ्ट हो जाएं और फिर दिल्ली में ही किराए में रहें। और अभी जो लोग EMU और बसेस का इस्तेमाल करते हैं दिल्ली से मेरठ जाने का डेली बेसिस पे, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि दिल्ली में किराए ज़्यादा हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए वो लोकल ट्रेन्स और बसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कई लोगों का ये कहना है कि वो अभी इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करते रहेंगे। हालाँकि ये ट्रेन सुबह 6 बजे से चल जाएगी और रात को 11 बजे तक अवेलेबल रहेगी, तो काफ़ी बड़ी विंडो दे रहे हैं सरकार, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में कितने लोग इसको प्रेफर करते हैं, कितने लोग यूज़ करते हैं, अफोर्डेबिलिटी, ओवरऑल सर्विस क्या है, लोग इससे कितना खुश हैं ना खुश हैं, ये देखना होगा और उस पर डिपेंड करेगा इस ट्रेन की सक्सेस, कितना ये सक्सेसफुल होती है ये RRTS। और इसके ऊपर ये भी निर्भर करेगा कि जो आगे के जो फेजेज़ हैं जिसमें कि ये इस ट्रेन को पानीपत और अलवर दो अलग अलग
रूट्स पे भी एक्सपैंड करने का जो प्रोविज़न रखा गया है उसको भी देखा जाएगा कि आगे एक्सपैंड करना है कि नहीं, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट ही ये वाला जो मेरठ वाला ही फेज़ है यही फेल होता है तो आगे भी हो सकता है कि सरकार सोचने में मजबूर हो जाए कि इसका सेकेंड फेज़ लॉन्च करें या नहीं, जिसमें कि दिल्ली से मेरठ और दिल्ली से अलवर दो अलग रूट्स पे एक्सपैंड करना है सेकेंड फेज़ में, क्योंकि हर एक फेज़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट करीब 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपए होगा।